बाजार पर आपकी एक्सपर्ट कमेंट। प्रशांत, मुझे लग रहा है देखिए आज बाजार में थोड़ी अनसर्टेंटी थी क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है, उसके बाद गुजरात स्टेट इलेक्शंस के नंबर्स आएंगे और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी इसलिए भी है क्योंकि फेड की कमेंट्री कैसी आएगी 14 दिसंबर के मीटिंग के लिए। तो ये सारी बातें मार्केट्स में एक वेट एंड वॉच अप्रोच आपको देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, जैसे डिम्पी ने कहा, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को क्लैरिटी मिलेगी। एग्जिट पोल में तो ऑलरेडी गुजरात में बीजेपी का यू नो विनिंग यू नो पॉसिबल लग रहा है, बट फाइनल रिजल्ट के लिए मार्केट्स गुरुवार के लिए वेट करेगी और उसके बाद आपको एक मार्केट में एक डायरेक्शनल ट्रेंड देखने को मिलेगा। और एक बात, मार्केट्स में आज थोड़ी कमजोरी थी कि दोनों एफआई और डीआई की तरफ से आज थोड़ा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला, तो ये भी थोड़ा बहुत एक रीजन था कि मार्केट्स में आज कोई बड़ा अपसाइड आपको देखने को ना मिला। अगर ये थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, ये बेसिकली पानी के पाइप्स में डीआई पाइप्स में काफी वेल नोन प्लेयर है और जिस प्रकार से वाटर प्रोजेक्ट्स को लेके गवर्नमेंट ने बड़े अनाउंसमेंट्स कर दिए है, आने वाला बजट में भी हो सकता है कि वाटर और वाटर इरीगेशन के लिए काफी बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाए, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 12 से 15 महीने के लिए यहाँ पे काफी बड़ी एक्टिविटी होगी, नए ऑर्डर्स अनाउंस होंगे। तो मेरे ख्याल से इनका नजरिया थोड़ा सा 6 to 12 मंथ्स रखिए और यहाँ पे होल्ड करिए। कंपनी काफी वेल नोन है, डीआई पाइप्स में काफी डोमिनेंट प्लेयर है, तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा कम से कम यू नो 8 to 12 मंथ्स का रखिए, तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए मुझे लग रहा है कि नवकार कॉर्पोरेशन बहुत लंबे समय के बाद वापस ट्रैक पे आ रहा है। इन्होंने अपने थोड़े जो नॉन कोर एसेट्स है वो बेचे हैं, कर्जा कम किया है और ये बेसिकली पोर्ट फैसिलिटीज और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल का है तो काफी अट्रैक्टिव लेवल है, काफी ऊपर लेवल से ये स्टॉक टूटा है और जिस प्रकार से अभी नई लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है इसका फायदा कंपनी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करें। मेरे ख्याल से होपफुली यू नो 6 to 12 मंथ्स में अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन करंटली इस प्राइस पे बेचिए मत, इसको होल्ड करके एक 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम दे दीजिए। प्रशांत, वास्कॉन इंजीनियरिंग एक रियल एस्टेट प्लेयर है जिसकी काफी बड़ी प्रोजेक्ट पुणे में यू नो चल रही है। कंपनी ने काफी अच्छी तरह से अपने ऑपरेशंस को स्केल अप किया है। मेरा मानना है कि अगर ये कम से कम 12 टू 15 मंथ्स होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी क्योंकि इन्होंने काफी अच्छी तरह से इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पोजीशन किया है, अच्छे प्राइसेस पुणे मार्केट के इनको मिल रहे हैं और इसके हमको कोई डाउट नहीं कि FY24 और 25 इनके लिए काफी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, तो कंपनी होल्ड करिए। अभी तो फिलहाल इनका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन करीबन पहला टारगेट अगर देखिए तो 50-55 का, तभी मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें, तब तक होल्ड करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो खास सलाह मिलती हुई आप। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली आई थिंक सेकंड हाफ इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि पहला फर्स्ट हाफ थोड़ा सा इनके लिए चैलेंजिंग था क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़े थे। मेरे को लगता है कि इनपुट प्राइसेस सेकंड हाफ में काफी कम होने की अपेक्षा रहेगी और अर्निंग्स में इसका फायदा इनको मिलेगा, तो मेरे ख्याल से इनको घबराना नहीं चाहिए, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए क्योंकि बिजनेस अच्छा है, टॉप लाइन बढ़ रहा है, मार्जिन का प्रेशर जो पहले फर्स्ट हाफ में देखा था वो सेकंड हाफ में होपफुली ईज आउट होने की अपेक्षा रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की रहे। देखिए हर्षा इंजीनियरिंग एक रिसेंट पब्लिक इशू का शेयर है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बेसिकली बोथ सोलर एज वेल एज बेयरिंग मार्केट को केटर करती है। मुझे लग रहा है कि देखिए इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो भाव डेफिनेटली कम हो चुका है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट खराब है, कंपनी तो बहुत अच्छी कर रही है, तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 12 से 18 महीने का रखिए, इसमें अच्छा खासा रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है प्रोवाइडेड आपका जो विजन है और टाइम फ्रेम है थोड़ा लंबा हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो खास मेरे पास दो शेयर है। पहला शेयर एक रेस्टोरेंट बिजनेस का कंपनी का शेयर है जो कंपनी का नाम है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। ये कंपनी इंडिया में वेल नोन है क्योंकि इनका चाइनीज क्यूजीन जो मेनलैंड चाइना ब्रांड है वो बहुत वेल नोन है। दूसरे जो कन्फेक्शनरी ब्रांड्स है जैसे ओ कलकत्ता है, बारिश है, होपीपुला है, तो इस कंपनी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि पिछले साल इन्होंने करीबन 253 करोड़ पे करीबन 8 करोड़ का मुनाफा कमाया था, लेकिन जिस प्रकार का ट्रेंड हॉस्पिटैलिटी होटल बिजनेस में दिख रहा है इस साल 6 months में इन्होंने 180 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, 26 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। हमको लग रहा है कि अक्टूबर टू मार्च इनके लिए और भी अच्छा होगा, करीबन 50-55 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कंपनी कमाएगी और उसके बाद करीबन 67-68 करोड़ की प्रॉफिट आएगी, तो मुझे लग रहा है कि रीरेटिंग के लिए ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है। करीबन 255-260 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो है वो रियल एस्टेट में बहुत ही एक अंडरवैल्यूड प्लेयर है जिसका नाम है अनंतराज लिमिटेड। ये दिल्ली की काफी वेल नोन कंपनी है, एनसीआर रीजन में काम करती है। यहाँ पे 2-3 बड़े ट्रिगर्स है, इनके पास करीबन 180 एकड़ जमीन है जहां पे ये प्लॉट्स बेच रहे हैं और अनंत एस्टेट्स, अशोक एस्टेट जैसे प्लॉट्स में काफी अच्छा रिस्पांस इनको मिल रहा है।
कंपनी ने यह भी कहा है कि कर्जा जो बड़ा कंसर्न था वो डीमर्जर के टाइम पे 1600 करोड़ था, अभी 900 करोड़ हो गया, तो ये भी कम करने की उन्होंने चेष्टा की है अगले 12 से 15 महीने के लिए। और ओवरऑल जो ट्रैक्शन गुड़गांव मार्केट में हमने देखा है वो बहुत बढ़िया है, रियल एस्टेट के प्राइसेस भी अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 1x प्राइस टू बुक पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर कोई 6 to 8 months का नजरिया लेता है तो डेफिनेटली इसमें आपको अच्छी खासी कमाई मिलेगी, करीबन 170-175 का टारगेट प्राइस यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल, तो दो अहम स्टॉक्स जिन पर खास नजर आपको रखनी है और आपको यहां पर कमाई